देवघर नगर निगम कार्यालय में जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार की अध्यक्षता में निगम क्षेत्र के सभी पीडीएस डीलरों के साथ एक समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में निगम क्षेत्र के सभी पीडीएस डीलर मौजूद रहे। मौके पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी अमित कुमार ने कहा कि निगम क्षेत्र में जितने भी पीडीएस डीलर हैं उनके साथ एक बैठक की गई और उनके कार्यों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा है कि सभी पीडीएस डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने कार्ड को अपडेट रखें। इसके अलावा वैसे परिवार जिनका राशन बकाया है अविलंब उन्हें दें। उन्होंने कहा कि सभी पीडीएस लाभुक का भौतिक सत्यापन करें और जो कार्ड में 10 से ज्यादा सदस्य हैं उनको भौतिक सत्यापन करते हुए कार्य करें। इसके अलावा सभी पीडीएस दुकानदारों को यह निर्देश दिए गए। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो भी हमारे 99 जन वितरण प्रणाली विक्रेता उनके साथ एक बैठक की गई और बैठक में जो झारखंड सरकार के द्वारा जो नया कंट्रोल एक्ट 2022 लागू किया गया है उसके संदर्भ में भी जानकारियां दी गई। सभी पीडीएस डीलरों को उनके कर्तव्य और दायित्वों के बारे में बताया गया। साथ ही साथ समीक्षा की गई कि हम लोग हर एक मंथ विभाग के द्वारा निर्देशित है कि 1 मंथ साइकिल मेंटेन किया जाए। इसी साइकिल को मेंटेन करने को लेकर अक्टूबर माह का जो खाद्यान्न वितरण का प्रतिशत देवघर नगर निगम क्षेत्र में कम है उसी को लेकर समीक्षा भी की गई, निर्देश भी दिए गए।